हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेसिडेंट इविल 8 विलेज। भाई पिछले एपिसोड का मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। एक तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, हम वो जो अजीब सी स्वॉम्प गाय, वो जो स्वॉम्प लेडी थी ना मॉनरो नाम की, हम उसकी जगह से भाग गए थे। और वहाँ से निकलने के बाद जहाँ पे क्रिस ने हमें बुलाया था ना स्ट्रॉन्ग होल्ड में, हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर गए। और भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर मुझे ना वो मिला, वो जो बड़े हैमर वाला वेयरवुल्फ था ना, उसके बाद मैंने बॉस फाइट की और उसका मारने का मुझे चारों के चारों फ्लास्क मिल गए। उसके बाद मैं चारों के चारों फ्लास्क उसके अंदर प्लेस कर दिए। और उसके बाद वो प्लेस होने के बाद एक अपने आप एक ब्रिज खुल गया। और वो ब्रिज पे से मैं हाइजनबर्ग के भी फैक्ट्री के अंदर आ चुका हूँ। और भाई फैक्ट्री के अंदर आने के बाद मैं हाइजनबर्ग की फैक्ट्री से फंस चुका हूँ भाई अभी। और हाइजनबर्ग कोई कसर नहीं छोड़ रहा मुझे मारने की भाई, इसलिए मुझे फैक्ट्री से निकलना है जिंदा भाई। यही हमारा आज का मोटिव है। तो भाई शुरू करते हैं भाई, यहाँ से चलते सीधे सीधे तेरी ज़्यादा बनेगा भाई। ये क्या है, इसको मैं गोली मार सकता हूँ क्या? नहीं शिट, मेरे मुँह के सामने आ गया था भाई ये। बे यार इसकी, रुक जा, मेरे पास वैसे भी शॉर्ट गन है, मैं बहुत है, तुम पे ही वेस्ट करूँगा आज मैं शॉर्ट गन। नहीं नहीं नहीं, इन पे मैं शॉर्ट गन नहीं वेस्ट कर सकता। पहले मुझे इनके सर खोलने पड़ेंगे, लेकिन इनके जो सर पे जो गार्ड है ना अजीब सा, इसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो उसके बिना भाई ये शॉर्ट गन की बुलेट उस पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। कि इसको कर लिया हमने लोड, इसको भी कर लिया हमने लोड। और भाई रस्टेड स्क्रैप और गन पाउडर तो भरी हुई है जगह पूरी। इसको ऐसे खोलूंगा मैं लॉक पिक से, शायद से लॉक पिक तो है ही नहीं अपने पास। ओए है अपने पास, ओके क्या मिलेगा इसके अंदर से? ये क्या है, येलो क्वार्ट्स, ओके पता नहीं 3-4 हज़ार का बिकेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये गन पाउडर भी मिल चुकी है हमें एक्स्ट्रा। और यहाँ पे क्या है भाई? ओह ये भी खुला है। और ये नहीं खुला क्या? ओके देयर इज़ नॉट इनफ पावर। भाई यहाँ पे पावर ही नहीं है, मुझे पावर ढूंढनी है बहुत सारी यहाँ पे। लाइक मुझे पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये पूरा मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा। दरवाजे और डोर लॉक से जो है ना, उसके मैकेनिज्म को काम करने के लिए पावर चाहिए होगी। मुझे पता है ज़िंदा होने वाला है, मुझे पक्का पता है भाई ये ज़िंदा होने वाला है। मिनी नेमेसिस भाई, मिनी नेमेसिस है ये पक्का ज़िंदा होगा बाद में। ये क्या है, ये क्या है? रिलीफ मोल्ड, इससे क्या होगा? रिलीफ मोल्ड से क्या होता है पता नहीं, देखना। व्हाट डिड आई से भाई, मुझे पता था भाई इसके इसमें रन मारूंगा शायद से मैं। अरे हाँ भाई इसके इसमें ही मारना है मुझे, लाल वाले इसमें। शिट, अरे बाहर कैसे निकलते हैं? तो मारने के लिए मुझे स्नाइपर लगेगी भाई, इसके बीच में इतना गंदा डैमेज दूंगा ना भाई, ये चल नहीं पाएगा उसके बाद ये। आ जा, ओ चलो ओपी। और एक बुलेट, और एक खाएगा, मर गया, फुद्दू था भाई ये तो। क्रिस्टल मैकेनिकल हार्ट, ओके सही था भाई ये तो, इजी था भाई। इसके बाद मुझे वीक स्पॉट पे स्नाइपर बजानी थी। स्नाइपर का डैमेज भी भाई, अगर मैं 4 स्नाइपर बजा लूँ तो एक एमओ की एक मैगनम की गोली के बराबर होते हैं वो। एक मैगनम की गोली सोचो कितना पावरफुल होता है वो भाई। इसलिए मैंने 4 स्नाइपर बजा दिए इसके हार्ट के अंदर सीधा, और भाई ख़त्म हो गया भाई। ओके तो मैं आ गए वापस। ये क्या है, यहाँ पर लगाऊँगा क्या मैं मोल्ड? शायद से मैं रिलीफ मोल्ड को यहाँ पर लगा सकता हूँ, इससे होगा क्या? पर कुछ तो खुल गया इसके अंदर, क्या लावा पोर करेंगे ये लोग? कि इसके अंदर लावा पोर कर दिया इन लोगों ने, अब क्या बनेगा भाई इससे? कुछ बनेगा क्या? कुछ तो क्राफ्ट हो भाई इसके अंदर। रिलीफ ऑफ अ हॉर्स, ओके हाँ भाई यूजफुल लग रहा है ये तो कुछ भी। ये क्या है, ओ यहाँ लगाऊंगा क्या मैं हॉर्स के रिलीफ को? ओके ओके समझा। समथिंग गुड फिट इन द डिप्रेशन, समझ गया भाई मैं, ये लगेगा रिलीफ ऑफ अ हॉर्स। चलो यस हो चुका है ये, मुझे यहाँ पे पावर लानी है। एक बार पावर आ जाना मजे आ जाएंगे फिर। पावर पावर पावर, तू ज़्यादा पावर का भूखा है, इतना तेरी पैंस। मर गया। चलो कि यहाँ पे सीधे सीधे जाके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये क्या है कि इसके अंदर मैं कुछ डाल सकता हूँ? इसका क्या काम है भाई? रुक जाओ, इसका क्या काम है? ये तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, पता नहीं भाई उसका कुछ तो। वेस्ट साइड ऑफ द विलेज, ओके उस वेस्ट साइड ऑफ द विलेज में कुछ तो लगेगा वो। एन ईजी टू पिक लॉक, ओके यहाँ से नीचे उतर लेते हैं पहले। वापस नहीं चढ़ पाऊँगा मैं, कोई नहीं उसको ब्रेक करते देखते क्या मिले। हैंड गन की एमओ, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है हैंड गन की एमओ। शिट मैं टाइम पे नहीं निकला तो मैं कुचला जाऊँगा।
थोड़ा पजल टाइप है ये, क्या पजल थोड़ी है, नहीं मैं टाइम बेस्ड वो है, थोड़ा छोटा सा पजल। शिट, मैं स्प्रिंट करना था, मैं स्प्रिंट नहीं किया टाइम पे। शिट, तुम्हारे गैजेट सा फोड़ो ना अपने सर पे, जो गैजेट लेके घूमते हो अजीब सा, इसको फोड़ो फिर बातचीत करेंगे शॉटगन के साथ। आ जाओ भाई, एक साथ दो दो। तू आएगा, आ जा। अरे भाई तो एक ही शॉट में मर गया तू। इधर तूने वैसे पहले बहुत गोलियां खाई है, तू एक गोली का ही मेहमान है, पता था। तोड़ो इसको, और शॉटगन है भाई, इनको कैसे पता मैं शॉटगन यूज करूंगा यहाँ पे। अरे तो अंतर्यामी निकले खतरनाक वाले, वो भी वही, इससे बचना था भाई, मैं इसका भूल ही गया था भाई। शिट, बच गया, ये गन पाउडर मिली है मुझे यहाँ पे, ठीक है भागो। तेरी पेस की, ये क्या सर में बजा दिए मेरे इसने, ये क्या बजाया इसने भाई, इतना गंदा डैमेज पड़ा मेरे सर पे भाई, मेरे को हेड इंजरी हो गई क्या, मैं पागल वागल तो नहीं हो जाऊंगा। शिट, चलना फटना, नहीं छोड़ दे मुझे, चल मर जा। चलो भाई इसको भी मार दिया हमने, लोड कर लेते फटाफट से अपनी गन को, और भाई इससे बचना है हमें। बच नहीं गए भाई, क्या फालतू गिरी है यार ये, बचना ही नहीं मैं उससे, पता नहीं क्यों स्प्रिंट नहीं करता भाई ये, देख मैं शिफ्ट दबाता हूँ फिर भी स्प्रिंट नहीं करता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कि ये क्या है भाई, अच्छा ये वही है, इसको भी निकालना है। कि ये कहाँ आ गए भाई हम अभी अजीब से रेड रूम के अंदर, इट्स लॉक्ड फ्रॉम द अदर साइड। ओके ऐसा लग रहा है अंदर, ऐसे भाई अंदर एक केस है, केस के अंदर हमेशा भाई खतरनाक वाली गन्स मिलती है। ये जिंदा होंगे क्या भाई, ये वो है जिनके हाथ में रहती है, वो जो हाथ में ड्रिल मशीन लेके घूमते ना, ये वो है, बस जिंदा ना हो जाए बस। इसको करते हैं अनलॉक, ओए ये तो खुल गया, मैं यहाँ पे आ गया दोबारा से, सही है। यहाँ से कहाँ पे जाते आता है भाई, इसको कैसे फोड़ूंगा अभी मैं, हाँ समझ गया, इसके अंदर मुझे मिसिंग अ कॉग, ओके कॉग ढूंढना पड़ेगा मुझे अभी। इसको फोड़ने के लिए मुझे लगा एक बॉम्ब के, तो एक बॉम्ब अपनी इसमें से निकाल लेते हैं, बॉम्ब तो है अपने पास, इसको यहाँ पे फेंकते हैं और पीछे हट जाते हैं। चलो ये फटा और हम अंदर घुस गए, शॉटगन एमो मिल गई, ऑलवेज वेलकम शॉटगन एमो। ओके मैकेनिकल पार्ट सिलेंडर, ओके ये लगेगा क्या इसमें, मुझे तो लगता है बैकअप जनरेटर लगेगा भाई इसके अंदर, क्या पागल बनती है ये, मतलब मैंने इसके पीछे जो टाइम पास किया उसका क्या भाई, इतना घूमा मैं उसका क्या। कि ये कहाँ आ गया अभी मैं, क्या के यहाँ पे वो जल रही है ग्रीन कलर की बत्ती, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ग्रीन लाइट लग रही है, यहाँ पे शायद से कुछ हो सकता है। ओके दोबारा से वही है ये, इसको फोड़ो, नीचे वाले को फोड़ो, अब ये खुल जाएगा अपने आप। भाई मैं सोच रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो इस फुद्दू सी चीज़ पे भाई ये यूज़ करते हैं, गन की एमो, होते होंगे लोग पता नहीं, नहीं भाई इतने भी पागल नहीं होते होंगे लोग। ये क्या मिला इसके अंदर मुझे, कॉग मोल्ड, यस भाई इससे मैं कॉग बना पाऊंगा जो उसके अंदर जाएगी, तो मुझे उसके अंदर जाना है दोबारा से भाई, अगर मुझे वो बनाना है तो मुझे ना यहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे कॉग का मोल्ड मिल गया। चलो दोबारा से यहीं पे जाते हैं, जैसे मैंने एक रास्ता अनलॉक किया था जो एकदम मस्त जगह पे जाता है, वहाँ पे जहाँ पे हम मोल्ड लगाते हैं ना कास्टिंग मशीन, वहाँ पे जाता है भाई, वहीं पे चलते हैं। शिट आ जा, लास्ट गोली, मर गया। चलो भाई चार गोलियां लगती है इसको, स्नाइपर की गोलियां भाई वैसी मुश्किल से मिलती है। के भाई और एक मत दे देना यार मेरी, क्यों आठ लगा रहे, और एक मत दे देना प्लीज। ठीक यहाँ से दोबारा पीछे पीछे चलते हैं, और यहाँ से हम पहुंच गए कास्टिंग रूम के अंदर। चलो इसको खोलते हैं, इसके अंदर डालते हैं कॉग मोल्ड, अब ये मेरे लिए कॉक बना देगा जिससे मैं जनरेटर को चालू कर पाऊंगा। इसके अंदर पड़ा लावा, और लावा गिरने के बाद भाई लावा नहीं होगा, वो होगा मेटल, होगा आयन, होगा वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिल गया मुझे लार्ज कॉग। ओके चलो कुड यूज दिस भाई, तो यूज़ करने के लिए तो निकाला है उसको मैंने, अब मुझे यहाँ से बस नीचे जाना है और उसको इसके यहाँ पे लगा देना है।
लार्ज कॉग। ये क्या हो गया? ओके वो जगह खुल गई। यस बैकअप आ गया है। लाइट आ चुकी है भाई पूरी जगह पे। सही है। मैं दूसरी साइड कहाँ से आऊँगा उसके यहाँ से? इथन सच अ डिसअपॉइंटमेंट। नहीं मर गया। मेरे को मारना चाहता था चिरकुट कहीं का। आजा एमो दे मेरे को भाई। ये वो चेनसॉ वाले खतरनाक वाले लोग थे ना इसमें रेसिडेंट इविल 4 में, ये वैसे ही कुछ लोग हैं चेनसॉ वाले खतरनाक। ये भाई स्नाइपर से ही मरते हैं मेरे हिसाब से तो। वैसे स्नाइपर इतनी अपग्रेड करके रखी है मैंने, काम आ रही है अभी यहाँ पे। स्कैम ओके और एक स्कैम। यहाँ पे चलते हैं। चुपचाप मुझे कुछ नहीं करना है इसको ना। तेरा मेरे से कुछ नाता, ना मेरा तेरे से कुछ नाता। चल निकल ले यहाँ से। स्नाइपर राइफल एमो मिल चुकी है हमें, इसको करो लोड। अब नहीं डरता मैं तेरे से। पता नहीं कहाँ चला गया वो अजीब सा। छोड़ो मैं, मेरे को उससे कुछ लेना देना तो है ही नहीं। जैसे यहाँ पे जाना है, पता नहीं चलते चलते कहाँ चला गया होगा। जी रहा भाई वो, इसको दिखाई नहीं देता शायद से। हाँ भाई ये तो अंधा है। अबे नहीं अंधा नहीं है, इसके सामने नहीं आना था मुझे बस। अबे पागल जैसे इसके सामने चला गया। चल लो आजा आजा और एक गोली डालनी है तेरे इसके अंदर में। चल मर जा। अरे 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 काट दिया रे, काट दिया मुझे को, काट दिया। चल मरना। 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। फालतू की ओवर एक्टिंग कर, मेरे पीछे पड़ रहा है भाई। और ये क्या है? ला शॉक पड़ेगा ना मेरे को, पक्का शॉक पड़ेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मेरे को। शायद से ये मारना चाहिए था, इस पर मुझे वो करना चाहिए था, शूट करना चाहिए था ताकि उसके शॉक बैठे। भाई पर इतना दिमाग कहाँ हम में। चलो इस पर टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब किलिंग स्प्री। ओए हैंडगन में मर गया भाई ये। ये तो बड़ा सही है भाई, तो बहुत सही लगा, ये बहुत सही लगा मेरे को, ये सही था गुरु। ओके इसको फोड़ूंगा मैं डबल एक साथ। इसको भी तोड़ूंगा मैं, इसको और ये लास्ट। टूट गया ये, खुलेगा अभी, खुल जाएगा भाई। मेरे को और नहीं चाहिए यार, वो लोग प्लीज़ दिमाग ख़राब करते हैं वो लोग बहुत। कि वहाँ पे पता नहीं क्या रखा है। माइन भाई, माइन तो यूज़ ही नहीं करता मैं। माइन से पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी है, मैं तो कभी यूज़ ही नहीं करता उसको। वही और बंदे आ रहे हैं, चलो इन पे यूज़ करते हैं। ये जहाँ से भी आ रहे हैं काम करता हूँ, अभी यूज़ करता हूँ। मैं बोल रहा था माइन नहीं यूज़ करता मैं, यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। हटो, ये कोई नहीं है यहाँ पे। तेरी पैस की चलना है। शेट भाई एमो क्राफ्ट करनी पड़ेगी मुझे। तू कहाँ से आ रहा है भाई वैशी दरिंदे, कहाँ से आ रहा है तू? मर जा। चल गन पाउडर दे रहा है। ये क्या है? पॉली क्रिस्टल स्कल। ओके और एक पॉली क्रिस्टल स्कल, सही है। मैं और ढूंढ लेता हूँ भाई क्या क्या है यहाँ पे। इसको तोड़ो, इसके अंदर क्या मिला? 600 ली। ओके इसको खोलो, इसके अंदर क्या मिला? माइन। माइन तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को भाई, माइन मेरी फेवरेट हो गई है। ओके ये शायद से रास्ता होगा मुझे अंदर जाने के लिए शायद से। ये क्या है भाई? लावा कैनन है क्या भाई? नहीं लावा कैनन नहीं है ये एक। ओके ऊपर चलते हैं। ये क्या चीज़ है भाई? ये जनरेटर्स है क्या बहुत सारे बिजली देने के लिए यहाँ पे? शायद हो सकता है। क्या हो रहा है ये? दो दो हाथ। चिट भाई, कौन से नमूने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग। ये ले इसको खा लेना। चल भाई चलने। अबे इसका तो सर में है लाल लाल कुछ तो। चलना पका मत। चल अबे इसके तो पीठ के अंदर है ये, मैंने पीठ में तो मारा ही नहीं इसके। ये क्या मिल गया मेरे को? क्रिस्टल स्कल। ओके भाई शॉर्ट गन तो बड़ी ओपी है, सही लगी मेरे को शॉर्ट गन बहुत। और भाई इसकी एमो ख़त्म हो गई ना मेरे बेचारी स्नाइपर, इसको मैंने इतना यूज़ किया है यहाँ पे।
पूरे गेम में मैंने इसको याद नहीं किया, यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। ओके, हमने पूरे स्टाइल वाइल में फोड़ दिए सारे के सारे। अब मुझे यहाँ से बस जनरेटर को ऑन करना है। फाइनली बिजली आ चुकी है, तो यहाँ पे बनेगा एक ब्रिज। अब मैं सीधा जाऊँगा तो मैं हाइजनबर्ग से मिल पाऊँगा। थैंक यू भाई, पर मुझे इससे पहले एक चीज़ देखनी थी। हाँ, ये देखो, ये जो दरवाज़ा है ना भाई, ये दरवाज़ा पिछली बार रेड था यहाँ पे, इस बार ये अनलॉक हुआ है। और भाई यहाँ पे अंदर पक्का कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा मेरे को। ये क्या है, लॉक पिक मिल गई मुझे भाई। यहाँ पे अच्छा बोला था मैंने। ये क्या है भाई, मुर्दों की बॉडी के बीच में भेज रहे हैं मुझे। शिट शिट शिट, ये कौन आ गया? नहीं भाई, इसको कैसे मारूंगा मैं? आ जा चल। अबे नहीं, काट रहा है यार ये तो मेरे को। चल आ जा मर के, चलने आने दे, आने दे, आ जा चलने, जास्ती बनेगा। ओके चलो भाई, ये तो मिल गया हमें। अब ये जो दरवाज़ा है ना, मुझे इसके पार जाके देखना है पे मिलता क्या है, क्योंकि भाई मैं इतना दूर फोकट में तो आऊँगा नहीं। कुछ तो अच्छा दे दो भाई मुझे। ये क्या है, लॉन्ग बैरल। ओके भाई, ये इसी का कोई तो पार्ट है, ये जो गन है ना इसका पार्ट है ये। मैं काम करता हूँ इसको, करता हूँ इक्विप पार्ट्स और इसका कंबाइन कर देता हूँ। ओए भाई, अच्छी गन बन गई है तो। सही है भाई, अब मेरी वो वुल्फ्स बेन वाली गन है ना, वो मस्त बन गई एकदम। चलो तो अभी हम जाएंगे भाई, वापस चल रहा हूँ मैं अभी। चलो भाई घर पे, बहुत टाइम पास हो गया। घर पे नहीं, वहाँ पे जो मेन दरवाज़ा था ना, मैं बस यहाँ लेने आया था ये, क्योंकि यहाँ पे ना वो जो रेड कलर का सर्कल था ना, वो ना ग्रीन हो गया था, तो मैंने ये याद में रखा। जब भी पावर आएगी ना, मुझे यहाँ पे आना है, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। मुझे लगा कोई नई गन मिलेगी, जैसे कि नई मशीन गन टाइप कुछ तो मिलेगी मेरे को, पर कोई नहीं, ये भी अच्छा ही था, लॉन्ग बैरल। इससे मेरी डैमेज शायद से बढ़ जाएगा, डैमेज बढ़ जाएगा मेरा थोड़ा सा। सही है, वर्थ इट ही था, मतलब अगर डैमेज बढ़ रहा है तो मेरी शॉटगन का, शॉटगन नहीं मैगनम का। तोड़ो भाई डब्बे को, एक एक एक्सप्लोजिव राउंड्स। ओके ओ भाई, ये थोड़ा एरिया खतरनाक सा लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई यहाँ पे ये लगा रखे हैं इन्होंने इलेक्ट्रिकल वाले, ये वाले ये इलेक्ट्रिक से है ना ये। ओ, 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 ओ भाई, जंप स्केयर दे रहा है ये लौंडा, जंप स्केयर दे रहा है। आजा 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 भाई, यहाँ पे तेरी मौत लिखी हुई है, रुक जा। इक्विप प्लेस, भागो भागो भागो, आजा आजा आजा। मर गया एक शॉटगन में, वो भी ये लार्ज मैकेनिकल क्रिस्टल। ओके क्रिस्टल हार्ट, लार्ज मैकेनिकल क्रिस्टल हार्ट, पता नहीं कैसे कॉम्प्लिकेटेड से नाम रखे हुए हैं। ओके इसको फोड़ना है, 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 हो गया। ओके अब यहाँ पे चलते हैं। अरे ये क्या है, अबे ये कैसे आ गया दोबारा से? शिट, ये पता नहीं कैसे आ गया। जल्दी खोल भाई इसको, चल दूसरे साइड पे। ये क्या है बाजू में, मेटल स्क्रैप, गन पाउडर। गन पाउडर कहाँ है, उठा ना भाई उसको भी, तोड़ देगा इस जगह को ये। भागो, मैं निकल गया सीरियसली वहाँ से भाई, मुझे नहीं पंगे लेने उससे। खोलो भाई इसको, लीवर को नीचे करो, पावर तो वैसे ही आ चुकी है, बहाने मत देना मुझे वापस पावर पावर के। ओके ये रास्ता खुल चुका है, अब मैं वापस ड्यूक से मिल सकता हूँ। ओके ओके, इससे हमने सर्विसेज थोड़ी एक्सपांड कर लिए, देख लेते हैं भाई। ये येल्लो कॉर्ड्स, ये जो है ना येल्लो कॉर्ड्स भाई, इसका प्राइस 10,000 है। सही है भाई, इतना महंगा है ये तो, इसको भी बेच दो भाई। सारी चीज़ें बेच रहा हूँ मैं अपनी, ये तो बहुत मिली थी मुझे 30,000। ये क्या है मुझे 18,000 भाई, दो से ही बस। इसको भी बेच सकता हूँ मैं, मुझे नहीं पता था, बिक गई भाई ये। चलो अपने पास 78,000 हो गए, बहुत सारे बहुत पैसे हो गए भाई अपने पास तो। ओके 50,000 में मुझे और एक अटैच ही दे रही मुझे। शेड भाई, मशीन गन, मुझे मशीन गन दे रहा है ये, मशीन गन। थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग भाई, इसका डैमेज देखो भाई, इसके सामने शॉर्ट गन भी शर्मा जाए भाई, इसका डैमेज इतना है भाई। मुझे तेरे को और चीज़ें बेचनी है प्लीज़ भाई, यार मेरे को और चीज़ें चाहिए यार इसको बेचने के लिए, और चीज़ें तो है ही नहीं पर मेरे पास, यही प्रॉब्लम है ना। मैं ड्यूक के साथ जाऊँगा कि लिफ्ट में, अरे ड्यूक भी आ रहा है मेरे साथ लिफ्ट में, चलो। सही है,
मैं कभी देखा नहीं सर ड्यूक को लिफ्ट में ट्रैवल वैवल करते हुए। अबे ये कौन सी जगह पे आ गया हूँ मैं अजीब सी, ये क्या रस्टेड स्क्रैप, ओके ये क्या है भाई, बॉल चाहिए इसके लिए, बॉल तो मुझे मिली नहीं यार, पर बॉल मिलनी भी तो चाहिए। ओके यहाँ पे क्या है, केमिकल फ्लूड, ओके ज़्यादा कुछ नहीं मिला ये रूम में। अगर मेरे पास बॉल होती तो मैं यहाँ पे ट्रेजर मिल पाता मेरे को, और ट्रेजर मिलने के बाद मैं उसको बेच पाता, पर कुछ नहीं मिला मेरे को। ओके यहाँ पे गेट दिख रहा है, शायद से यहीं से रास्ता होगा क्योंकि ये साइड तो मैं अच्छा, अरे भाई यहीं से तो आया था मैं, यहाँ से शायद से मुझे ऊपर जाना है। फालतू में यहाँ चला गया ड्यूक के पास, चलो भाई ऊपर ही चलते हैं। यहाँ जाना था मुझे, मैं यहाँ पे ड्यूक के पास टाइम पास कर रहा था। वैसे मुझे बेचनी है भाई उसको चीज़ें, और मुझे मशीन गन खरीदनी है, पर मशीन गन के मेरा स्पेस तो बहुत है भाई, बहुत स्पेस है, मैं बिठा लूँगा मशीन गन को भी इसमें। ओके भाई ये क्या पार्कोर करना है क्या मुझे, नहीं 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 ओके भाई ऐसी चीज़ मैंने लास्ट टाइम डूम इटर्नल में देखी थी, ऐसी ऐसी टूटी फूटी प्लेटफॉर्म्स सीमेंट में से सरिये निकल रहे हैं बहुत सारे, ऐसी मैं डूम इटर्नल में देखी थी ऐसी लास्ट टाइम सेटिंग जो है ना ये जगह की, ऐसी खतरनाक सी सेटिंग भाई, ऐसी मैं डूम गेम से एक्सपेक्ट करता हूँ, पर भाई कैपकॉम वाले खतरनाक हो चुके हैं अभी। ओके ये पता नहीं कहाँ जा रही है जगह, मिरांडा थिंग्स वी आर नथिंग बट चिल्ड्रन, शी डजंट केयर फॉर अस, ओके केयर ऑफ अस, शी लॉस्ट ऑल हर ह्यूमैनिटी, आई मस्ट डिस्ट्रॉय हर। अबे यार उसको उसको डिस्ट्रॉय करने का ही वो करना है, तू इधर आ, माइन में काम करने वाले कर्मचारी कहीं के मर जा चल। केस से थोड़ा रस्टेड स्क्रैप मिल गया मेरे को, सीधे सीधे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, अगर ये थोड़ा क्रुकेड पाथ लेके देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। अबे इनको पता ही चल जाता है कुछ भी हो जाए तो, कैसे पता चलता है इधर को, कैसे पता चलता है जल्दी बता मेरे को, मेरे को भी चाहिए ये वाली एबिलिटी। ओके पॉली क्रिस्टल मिल गया मेरे को, ये जो भी है अजीब सा, तोड़ो इसको, गन पाउडर, ये क्या हर्ब, पाइप बॉम्ब बहुत सारे पाइप बॉम्ब, चलो सही है, अच्छा है मैं यहाँ पे आ गया। चलो भाई सीधे सीधे चलते हैं अभी, रास्ते को फॉलो करते करते। ये क्या भाई बड़ी सी ड्रिलिंग मशीन, यहाँ पे ड्रिल करके करते क्या है भाई, ये भाई बहुत लोग हैं यहाँ पे तो, बहुत क्या तीन ही लोग हैं वैसे। शिट इधर आ, तेरा हेलमेट ही फोड़ूंगा मैं, इधर आ, देख गंदी नाली के कीड़े इधर आ, और तू इधर आ, अबे तू इधर आ ना, तू ही बैट सूप पीता है ना, मुझे पता है भाई तू बैट सूप पीता है, तेरी शक्ल से ही लग रहा है। ओके रस्टेड स्क्रैप तो भाई भर भर के मिल रहा है, हाइजनबर्ग को बताना पड़ेगा, उसकी फैक्ट्री के कर्मचारी उसका रस्टेड स्क्रैप चुराने लगे हैं। ये मेरे पास ये तो है पर बाद में यूज़ करूँगा जब मेरी हेल्थ क्रिटिकल चली जाएगी। लार्ज क्रिस्टल मिल गया मेरे को, सही है, मेरे को जितना ट्रेजर हो सके ना उतना ट्रेजर चाहिए भाई, मुझे ट्रेजर ले लेके भाई वो मशीन गन लेनी है, एक बार मशीन गन मिल गई ना भाई मज़े आ जाएंगे, मुझे मशीन गन चाहिए कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता मुझे मशीन गन चाहिए। उसने बोला ना उसने बोला आई हैव अपडेटेड माई स्टॉक, तो मैं फटाफट से भाई उसके पास गया देखने के लिए क्या स्टॉक लाया, मुझे लगा रॉकेट लॉन्चर लाया होगा उस पागल ने, पर भाई उसने तो रॉकेट लॉन्चर से भी सही चीज़ ला दी, अरे ट्र चलेगी भाई वो मजा आ जाएंगे। कि पाइप बॉम्ब जो पीछे मिला था उसमें से एक पाइप बॉम्ब यूज़ करके फेंक के भाई ब्लास्ट करके दूसरे पार चलते हैं। खे यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, लार्ज क्रिस्टल विलीवेंट, लार्ज क्रिस्टल भाई बहुत सही, मुझे यही चाहिए, ट्रेजर चाहिए मुझे बहुत सारे, बस ट्रेजर कर करके 1,00,000 जब रुपये हो जाएंगे ना, 1,16,000 तब भाई मैं उससे ले पाऊँगा, 1,16,500 रुपये, हाँ बराबर 1,16,500 रुपये चाहिए मेरे को। अभी कितना है मेरे पास, अभी है मेरे पास 77,000, हो जाएंगे कोई नहीं। कि ये ऊपर क्या घूम रहा है भाई, फैन है, अच्छा मैं वही सोच रहा किसकी शेडोज़ है भाई ऐसी ऐसी फड़फड़ाती शेडोज़। कि यहाँ से कुछ उठा सकता हूँ मैं, मेटल स्क्रैप उठा सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, स्नाइपर राइफल एमो, वो तो मैंने लोड ही नहीं की भाई, स्नाइपर इतनी एमो मिल रही है उसकी मैं लोड ही नहीं कर रहा। ओके मिल गई भाई स्नाइपर और मैगनम, शायद से अभी मेरी सबसे दो पावरफुल गन होंगी ये अब तक की मतलब जो भी जितनी भी मेरे को मिली है। रॉकेट वाले भाई ये क्या पागलपन है भाई, हद से पार जा रहे हैं ये लोग, अबे तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो भाई, चला जा चल, ये किसने कर दिया, भागना, यस आजा चल, मरेगा
अबे काट दिया रे शिट। आजा चल भाई, भागो भागो। रस्टेड स्क्रैप मिल रहा है मुझे, इसमें क्या मिल रहा है? हैंडगन एमो। एक काम करता हूँ मैं, इसको इक्विप करो और दोनों को आने दो, आने दो। फिर छोड़ो भाई, दोनों को आने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। चलो फटा भाई, फटा फटा फटा। मर जाना चाहिए भाई अभी तो, ये प्लीज़ फट के मर जाना भाई। कितना कितनी बुलेट्स खाएगा भाई, बुलेट्स पंच कहीं के कितनी बुलेट भाई। अबे ये क्या कर रहा है तू, पागल कहीं का? ये क्या कर दिया भाई इसने, चीर फाड़ दिया मुझे। शिट 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 शिट, बहुत गंदा किया इसने। नहीं 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 भाई, इससे भी लार्ज मैकेनिकल हार्ट ही मिल रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा भाई। ये तो ख़त्म हो गई, तुम मर ना रे। शिट, मर जा, चल भर दो इसको भाई, गन को भरो अपनी। भाई कितने टफ होते हैं ये मारने भाई, ये बहुत टफ लगा मुझे मारना इनको। मेरी एमो खा जाते हैं, सारी एमो चूस जाते हैं भाई ये। मैगनम तो यूज़ करने का सवाल ही नहीं उठता भाई, मैगनम में पांच ही गोलियाँ हैं, वो बस बॉस पे यूज़ करते थे, चिंदी बंदों पे नहीं यूज़ करते मैगनम को कभी भी। ये क्या है यहाँ पे, ऊपर गोले क्यों बने हुए हैं भाई? पता नहीं, फोड़ देता हूँ गोले बने हुए तो मज़ा आता है वैसे भी मुझे चीज़ें फोड़ने में। ये क्या हुआ भाई, घंटी की आवाज़ आ रही है बजने की, घंटी बजने की आवाज़, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी वो। मैं तो ये फोड़ दिया, ओके लास्ट बचा है एक यहाँ पे, इसलिए कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये क्या हो गया अभी भाई, फैन गर्म क्यों हो गया इतना? अच्छा गर्म हवा छोड़ेगा क्या अभी नीचे? बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, ओके बंद हो गया वो। हाँ थैंक यू बंद होने के लिए, तो मुझे पता, मुझे लगा वो काट देगा भाई वो मुझे, फ़ैन नीचे आके बस के ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा मैं पार जाने के लिए उसको वो करना था, नहीं तो हम ऊपर चढ़ते तो भाई टुकड़ों में कटते हम गंदे वाले। के ऊपर 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 और ऊपर। अच्छा सीढ़ियों ऐसी बन गई है मेरी, मिनी सीढ़ियाँ, मिनी नहीं भाई एक्स्ट्रा लार्ज सीढ़ियाँ बन गई है। फोड़ो इसको, 2100 भाई, ये 2000 के मिल रहे हैं मुझे, बहुत सारे मज़े आ रहे हैं। वो क्या है वहाँ पे, वहाँ से पता नहीं क्या होगा भाई यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं जल्दी से, ओके गेम भी सेव हो गई अपनी ऑटो सेव से, यहाँ पे चलते हैं। ये क्या फैक्ट्री मैप अपर लेवल्स, ओके नया मैप मिल चुका है अपने को। ये क्या, इसका क्या फ़ायदा है भाई? इसको अगर मैं पुश करूँगा तो होगा क्या? क्या हुआ इससे? अच्छा एंट्रेंस खुली क्या कोई, तो अजीब सी, ओके समझा अभी मैं क्या हुआ उससे। यहाँ से मैं निकला और ये कहाँ आ गया मैं, इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे? ये क्या बॉल मोल्ड, ओके तो इसमें मैं बॉल बना पाऊँगा और वो बॉल मैं उनके अंदर डाल पाऊँगा। यस भाई, वो बॉल मैं उस मशीन्स के अंदर डाल पाऊँगा, वो मशीन्स जो है ना जो बॉल रिक्वायर रहती है, उनको बॉल रिक्वायर्ड रहती हैं, उन मशीन के अंदर डाल पाऊँगा मैं, फिर काम करेगा वो। यहाँ पर रेड अलर्ट क्यों हो रहा है भाई, पूरी जगह पे अजीब सा रेड अलर्ट हो रहा है भाई, हवा चल रही है तेज वाली यहाँ पे। शिट जल्दी, ओके भाई मैक्स पेन लेवल का भाई, स्लो मोशन हो गया था बहुत ज़्यादा, स्लो मोशन हो गया था गंदा वाला। अच्छा है मैं बच गया भाई इससे। वही तो भाई, मैं खींच गया था उसके अंदर। चलो चलो भाई, सोचो कोई फैक्ट्री के अंदर ऐसा सच में ट्रैप हो जाए, उसकी वाट लग जाएगी भाई कि ऐसे ऐसे पाइप पैसे हमें करना है पार्कोर सस्ता वाला। और भाई वहाँ पे क्या है भाई, अगर मैं और नीचे जाऊँगा तो क्या मिलेगा मुझे? नहीं कुछ नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता वहाँ पे नीचे, कहीं इससे ही चढ़ जाता सस्ती सीढ़ियों पर। और मुझे ऊपर का वो ये घुमाना है शायद से, घुमा इसको, घुमाने से होगा क्या वैसे? अच्छा ये तिजोरी की तरह खुल गया, सही है। ये सब कौन बनाता है वैसे फैक्ट्री में? कि ये पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया हूँ मैं, वियर्ड सी जगह, लेकिन सच में वियर्ड है भाई ये बहुत जगह। इसको कैसे दबाऊंगा मैं बटन को? अच्छा पहले से दबा हुआ है वो, मुझे बस लिफ्ट में बैठना है, सही है। भाई मेरी बच्ची के अंदर पावर्स कहाँ से आ गई?
भाई पर इसमें पावर्स कैसे आई मेरी बच्ची में, वो जो रोज है उसमें पावर्स कैसे आई, पर ये समझ में नहीं आया मुझे। क्या की मोल्ड, ओके अलग अलग से मोल्ड मिल रहे हैं भाई। ये ऐसा केस देते हैं जिसमें तुम एक्सपेक्ट करते हो रॉकेट लॉन्चर मिलना, पर भाई तुम्हें फिर पता नहीं क्या कौन सी हद्दू सी चीज़ दे देते हैं ये। ये क्या है? अच्छा भाई इससे पैसे मिले, मैं सोच रहा येल्लो क्यों हो रहा है भाई वो ग्लो ऐसा, तो थोड़ा मुझे पैसे मिले बहुत सारे। चलो अब ये कौन सी जगह है? ओके मैं शायद से वहाँ पास ही आ गया, वहाँ पे वापस वही जगह पे आ रहा हूँ मैं घूम फिर के। देयर्स मोर, ये भी परेशान हो रहा है भाई। ये हॉर्स डोर्स खोलने के लिए चाहिए होगी मुझे की, हाँ अब समझा मुझे। चलो हॉर्स जैसे दरवाजे खोलने के लिए चाहिए मुझे की। लिफ्ट बुलाओ भाई, लिफ्ट बुलाओ, नीचे वाले फ्लोर पे चलो जल्दी से। और भाई लिफ्ट में ड्यूक भी बैठा रहता है ना? हाँ भाई लिफ्ट में ड्यूक भी रहता है हमेशा। मैंने भाई सबसे टॉप फ्लोर का भी खोल दिया है, B1 का। सही है, लिफ्ट पता नहीं कितना टाइम लेती है आने में। ओके आ गई भाई ड्यूक से भरी हुई लिफ्ट, ये ड्यूक की वैसे ज़्यादा टाइम ले रही होगी ऊपर आने में। वेलकम वेलकम, छोड़ तू मेरे को प्राइस दे, असली अच्छा प्राइस दे मेरे को इनके सब के लिए। ओके और एक येल्लो कॉर्ड्स, 9000 को जा रहा है भाई। I'm buying this because of our relationship. मजे आ गए इसके लिए मुझे चाहिए। ओके भाई बहुत थोड़ा कम पड़ रहा है मेरे को, शेट भाई इसकी पावर बस ये इतनी है 200, ये कौन खरीदेगा फिर ना। इसका रिलोड भाई, इसका बस रिलोड स्पीड अच्छा है भाई, बाकी सब घटिया है इसका। इसकी एमओ कैपेसिटी कितनी है? 12। ओके इसकी कितनी है? 10। भाई ये क्या है वैसे, ये समझ में नहीं आया मेरे को। सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन, ये शॉटगन है भाई? शॉटगन तो क्यों ही बाय करूँगा मैं, शॉटगन मेरे पास है भाई अच्छी, मुझे और एक नहीं चाहिए शॉटगन। पता नहीं भाई ये क्या है, ग्लिच होगा शायद से गेम का कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है। पर भाई मुझे ये बाय करनी है मशीन गन, मेरा तो पक्का है मुझे मशीन गन बाय करनी है भाई। इतनी बड़ी शॉटगन का मैं करूँगा क्या? मेरे पास एक तो पहले से शॉटगन है भाई, ये शॉटगन और मैं दो पिस्टल के राउंड चला दूँ ना तो भाई एक ही डैमेज पड़ता है। मैं ना ये लेनी है सब मशीन गन। चलो तेरे को मैं छल्ली छली भाई एक बार ड्यूक मेरे मन में ख्याल आया ये सब मशीन गन से अगर मैंने ड्यूक को छल्ली छल्ली कर दिया यहीं पे तो भाई देखो कितना प्यारा सा चेहरा है भाई इसका, यहीं पे छल्ली छल्ली कर दिया मैंने इसको तो गन से भाई वो सोच रहा होगा मैं इसके इतनी सारी ट्रेड की, मैं इसको मार के भाई मैं इस पर लाखों रुपये 8-9 लाख रुपये लेके बैठा होगा तू, बैठा होगा ना 8-9 लाख के ऊपर तू अभी भाई। वैसे इसको मार दूंगा तो मेरे को वेपन कौन देगा, ये भी है ना, मार दूंगा तो उसको वेपन कौन देगा मेरे को। भाई काम करते उसको मार ही देते हैं, मार के ट्रेजर ही तो मिलने वाला है मुझे और ट्रेजर से मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ। शिट वाट लग गई, जल्दी 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 इसको यूज़ करो, छाती में शॉर्ट गन भरो। अबे एमओ ही नहीं है इसके अंदर, आ जा इधर आ, अरे आ ना, दो गोली में तो तेरा हो जाता है काम, निकल यहाँ से चल। भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे कास्टिंग रूम के अंदर, शिट। अबे तू तेरे को बुलाया किसने यहाँ पे, निकल चल इधर आ, तेरे दिल में एक शॉट गन दूंगा मैं, इधर आ चल। दो दिल में तो मर जाता तू, सॉरी दो शॉट गन में तो मर जाता है तू, क्या औकात है तेरी, निकल यहाँ से चल। हाँ भाई एक लंबे सफ़र के बाद हम दोबारा नहीं भाई, हाँ दोबारा ही आ चुके हैं हम यहाँ पे भाई। हमें एक काम करना है, मैं बनाता हूँ पहले एक बॉल मोल्ड बना लेता हूँ फिर की मोल्ड बनाते हैं। ओके हाइजनबर्ग्स की, हाइजनबर्ग की मिल चुकी है हमें। ओके तो पहली की तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से सीधे सीधे जाऊँ ना तो मुझे यहाँ पे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है यहाँ पे भी एक चीज़ रखी हुई थी उसके अंदर टैंकर के अंदर अजीब से। चलो देखते क्या है इसके अंदर, भाई साहब कितने घटिया घटिया से लोग हैं यहाँ पे। शिट अबे यार बे पकड़ लिया भाई इसने मेरे पैरों में धरे हैं इसके। शिट इधर आओ इधर आओ इधर आओ, रुक जाओ तुम्हारे पहले सर के ये उड़ाने पड़ेंगे, तुम सर पे लगा के घूमते हो ना अजीब सा, ये उड़ाना पड़ेगा पहले। मर जा मर जा, तू तू नहीं तू नहीं तू नहीं तू नहीं तू नहीं, शेट 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 चलना तू ऐसे ही मरेगा, आ जा
अपने सर का एक गैजेट सा हटा अजीब सा और फिर मर आ जा मर गया। चलो रस्टेड स्क्रैप क्या क्या दे रहे हैं ये लोग, सब उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? रस्टेड स्क्रैप भाई भरमार है यहाँ पे चीज़ों की। ओके मेन सवाल इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे भाई, कुछ अच्छा दे देना यार प्लीज़। ये क्या है? मेटल पार्ट शाफ्ट। ओके इससे पता नहीं क्या होगा, मेटल पार्ट शाफ्ट से पता नहीं, देखते हैं आगे गेम में क्या होता है। कि तो मुझे यहाँ से निकलना है। शिट भाई सामने और एक बंदा दिख रहा है मुझे। ये क्या है? मैं पता नहीं कौन सा हाइब्रिड सा बना कर रखा है इसने, इसके लिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ भाई। ये कौन है भाई साहब, ये है कौन? इधर आ तू पेंस की। अरे मरना, अरे तू मरने का क्या लेगा भाई, अरे दिल पे ही वार करूंगा मैं। शिट नहीं भाई। चलो शिट, जल्दी भाई क्राफ्ट कर भाई, पियो इसको पियो। बच गया। ओके मर जाना चाहिए भाई इससे, मर गया। यस चलो परफेक्ट क्रिस्टल मैकेनिकल हार्ट। हाँ भाई क्या था ये भाई, ऐसे बंदे मत दिया करो यार, लिटरली भाई फट जाती है ऐसे बंदे देख के। दोबारा भाई क्या पागलपंती है, कितने दोगे भाई तुम, कितने भाई? बे यार लोड करो इसको, एक फोड़ा इस पे मैंने, दूसरा पाइप बॉम्ब फेंको इस पे, अब तीसरा लगेगा एक माइन को लगाओ यहाँ पे और पीछे भागो। कुछ हुआ इसको? शेट अभी मेरे पीछे पड़ा ही है भाई, इसको कैसे रोकूंगा? शॉटगन की एमो भाई वो भी नहीं क्राफ्ट कर पाऊंगा मैं, और ये बना लेता एक माइन, लास्ट होप अपना ये माइन भाई बचा ले हमें। यहाँ पे प्लेस करो इसको और भागो। फटा ये, कुछ हुआ? अरे पागल मर गया। चलो भाई इतने फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं भाई, ये दिमाग खराब कर रहे हैं ये, इतने फ्रस्ट्रेटिंग। और इन पे ये गन क्यों नहीं यूज़ करता मैं? के तो मैं फाइनली यहाँ से निकल चुका हूँ भाई, इसको बेचता हूँ मैं भाई, क्या पता नहीं कितना प्राइस देगा भाई इसका। नहीं विंडो शॉप नहीं करनी मुझे, ये क्रिस्टल मैकेनिकल हार्ट भाई पर 25 को बिकेगा ये, 25 एक। कितना अच्छा लग रहा है ये, क्या इसका बेच सकता हूँ मैं? बेचने के लिए लिया था क्या मैंने ये? ओके सप्लाईज में आता हूँ, देखते क्या खरीद सकते हैं। ये क्या है? अच्छा ये तो पिस्टल है भाई, एक अच्छी वाली, सही है। मुझे खरीदनी है ये गोलियाँ। ओके इसके इतनी स्टॉक में, सही है, सोल्ड आउट हो गई भाई गोलियाँ भी इसके पास। मुझे भाई थोड़े पाइप बॉम्ब भी दे दे, एक पाइप बॉम्ब दे दे, एक माइन दे दे भाई। बहुत खतरनाक बंदे आते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे डर लगता है उन बंदों से। ओके मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ 50,000 में, या फिर मैं इसकी पावर बढ़ा सकता हूँ, क्या करूँ भाई मैं समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ इनको सेव करता हूँ पैसों को, बाद में देखेंगे क्या करते हैं भाई। अटैची बढ़ा लूँ अपनी भाई, आगे पता नहीं चला रॉकेट लॉन्चर मिल गया हमें तो, अटैची बढ़ा लेता हूँ अपनी में। अरे थैंक यू भाई। चलो अपनी स्पेस देखते हैं अभी स्टोरेज की। भाई इतनी सारी स्टोरेज, मजे आ गए, इतनी सारी स्टोरेज मिल गई मुझे, चलो सही है। ओके तो मुझे जो बॉल मिली थी भाई, वो बॉल को डाल के देखते हैं इसके अंदर, बॉल डाल के देखते हैं भाई। मैंने जो बॉल मिली थी ना मेरे को, बॉल का कुछ ना कुछ तो काम होगा ही भाई। नीचे चलो, आयरन हॉर्स बॉल, हाँ मुझ कर सकता हूँ शायद आयरन हॉर्स बॉल से। यस हो गया भाई, ये हो गया। ये क्या मिला मेरे को? ब्लिस्टर स्कल। इससे क्या होगा भाई, ब्लिस्टर स्कल से इससे क्या होगा? तो इसको बेच के देखते भाई ब्लिस्टर स्कल से कितने पैसे मिलते हैं। आ जाओ
आजा तेरे को सोने का स्कल लेके आया हूँ मैं, आजा। 30,000 आए, ज्यादा नहीं था। ओके भाई ऊपर चलते हैं B3 पे। मैंने इसको ब्लिस्टर स्कल बेचा ना भाई, मुझे 30,000 ही मिले। मुझे लगा भाई 50-60 तो मिलने चाहिए थे भाई, ऐसा मेरे को लगता है भाई 50-60 तो मिलने चाहिए थे, क्योंकि भाई इतना टफ था वो बॉल रोल करना यहाँ से। वाह भाई, ये तो मैं कीबोर्ड पे खेल रहा हूँ, कीबोर्ड के पैसे शायद से ईजी पड़ा है फिर टफ, वो नहीं पता मेरे को, पर भाई इतना पता है कि टफ था वो। इस पे खेलो तुम, कीबोर्ड पे खेलो या फिर कंट्रोलर पे, भाई टफ तो था वो, गंदा वाला। ओके ऊपर होगा शायद से भाई, मैंने हॉर्स डोर कहीं तो देखा था भाई, B1 पे होगा शायद से। क्या होगा, उल्टी हो रही है क्या तेरे को, वहाँ पे कर, मेरे मुँह पे कर, मत करना, नहीं तो यहाँ पे छल्ली छल्ली कर दूंगा तेरे। उदास हो गया। तो सोच में पड़ गया, ये छल्ली छल्ली हो जाएगा तो मेरे 8-9 लाख जो मैं नीचे दबा के बैठा हूँ इसको मिल जाएंगे। अरे नहीं मिलेंगे तो चिल मार यार। ओके तो ये हॉर्स डोर में फाइनली अभी ओपन कर पाऊंगा हाइजनबर्ग के की से, और भाई चलते हैं अभी। इसका हाइजनबर्ग के दरवाजे कितने खतरनाक से रहते हैं, पूरे ऐसा लगता है उसमें सोने चांदी पता नहीं क्या क्या भर रखे होंगे इसने। ओके भाई हाइजनबर्ग की फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है, और एपिसोड पहले से बहुत लंबा हो चुका है, तो भाई एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अगर हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।